Welcome my channel first wall live testing। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत है मेरे चैनल फर्स्ट वॉल लाइव टेस्टिंग पर। तो गाइस आज मैं आपको रिन्यूअल के बारे में बताने वाला हूं, बेरोजगारी भत्ते का रिन्यूअल किस प्रकार से किया जाता है। और साथ ही में दोस्तों जिन्होंने अपने बेरोजगारी भत्ते का रिन्यूअल पिछले साल नहीं किया था उनका यहाँ पर बेरोजगारी भत्ता परमानेंटली स्टॉप हो चुका है। दोस्तों इसका मैंने अपने चैनल पर लाइव वीडियो भी बना रखा है, वहाँ पर विजिट करके आप देख सकते हैं। तो जिनका यहाँ पर एक साल होने वाला है या हो चुका है तो उनको कब क्या रिन्यूअल का यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, किस प्रकार से वह चेक कर सकते हैं कि हमें यहाँ पर रिन्यूअल का ऑप्शन मिलेगा या नहीं। और साथ ही में दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि सेम स्थिति पिछली बार जो कोरोना काल के अंदर हुई थी कि यहाँ पर इमित्र बंद था, किसी के पास यहाँ पर साइड का इशू चल रहा था तो उनका यहाँ पर स्टॉप हो चुका था रिन्यूअल की वजह से। तो आप समय पर अपना यहाँ पर रिन्यूअल कर ले क्योंकि दोस्तों जून और जुलाई जो इसका डेट होता है, जो इसका महीना होता है रिन्यूअल का, वो नज़दीक आने वाला है। तो एक छोटी सी अपडेट के साथ आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ मेरे चैनल फर्स्ट वॉल लाइव टेस्टिंग पर। तो गाइज मैं आपको पूरा लाइव बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप अपने मोबाइल स्क्रीन के द्वारा आप अपना जो बेरोजगारी भत्ते का जो रिन्यूअल है वह आप आसानी से स्टेटस चेक कर सकते हैं कि हमें यहाँ पर रिन्यूअल का जो अपडेट मिलेगा वो किस प्रकार से मिलेगा। तो दोस्तों अधिकतर यहाँ पर किसी का तो मैसेज आ जाता है रिन्यूअल का और किसी का यहाँ पर मैसेज नहीं आता है। तो आपको विशेष जून और जुलाई के अंदर आपको विशेष आपको यहाँ पर अपना जो बेरोजगारी भत्ता फोरम है वहाँ पर आपको अपडेट रहना है, जिससे कि आपको लगातार पता चल सके कि रिन्यूअल हमें कब करवाना होगा। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, जिससे कि ऐसी नई नई जानकारियां उनको लगातार मिलती रहे। तो सीधा चलते हैं अपने ऑन स्क्रीन पर और देखते हैं किस प्रकार से रिन्यूअल का स्टेटस चेक किया जाता है। और साथ ही दोस्तों जून जुलाई के अंदर आपको विशेषली आपको अपडेट रहना जरूरी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट्स करें, अन्य जानकारियों के लिए भी आप हमें कमेंट्स करें। दोस्तों आप सभी को अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाना है, जैसे कि आप सभी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं यहाँ पर आपको गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना SSO ID यहाँ पर ओपन कर लेना है। SSO ID को यहाँ पर आपको टाइप कर लेना है और SSO ID आपको यहाँ पर ओपन कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा SSO ID का यह पोर्टल ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको अपना SSO ID लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर मैं अपना SSO ID यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। जिसका यहाँ पर SSO ID नहीं बना हुआ है, जो हाल ही में यहाँ पर बेरोजगारी भत्ते का यहाँ पर फॉर्म सबमिट किया है, उनको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोस्तों वह एक नया SSO ID बनाकर अपना जो बेरोजगारी भत्ते का जो फॉर्म है उसको यहाँ पर कनेक्ट कर सकता है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप अपने SSO ID को बेरोजगारी भत्ते के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और जिनको SSO ID बनाना नहीं आता वह हमें कमेंट्स कर सकते हैं, जिनके लिए हम अपना एक अलग से वीडियो यहाँ पर चैनल पर डाल देंगे। तो मैं यहाँ पर इसको लॉगिन कर लेता हूँ अपनी SSO ID को और नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप सभी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं हमारा यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का यह है यहाँ पर पोर्टल ओपन हो चुका है, SSO ID ओपन हो चुका है और यहाँ पर हमारा जो एप्लीकेशन है एम्प्लॉयमेंट का यहाँ पर यह शो हो रहा है। दोस्तों यदि आपको ये यहाँ एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन आपको डायरेक्टली आपके यहाँ पर SSO प्रोफाइल पर नहीं दिखाता है तो आपको अदर्स एप्लीकेशन पर क्लिक करना है और एम्प्लॉयमेंट पर आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। तो मैं इसे एम्प्लॉयमेंट पर क्लिक कर लेता हूँ और एम्प्लॉयमेंट का जो हमारे बेरोजगारी भत्ते का जो फॉर्म है उसे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको सेंड एनीवे पर क्लिक करना है। जैसे आप सेंड एनीवे पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने हमारा जो बेरोजगारी भत्ता फॉर्म है वो हमारे सामने इस प्रकार से ओपन हो जाता है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर जानकारी दे देता हूँ कि जिनका यहाँ पर ये बेरोजगारी भत्ते का जो फॉर्म है वह मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ओपन नहीं हो रहा है तो वो अपना यहाँ पर PC या लैपटॉप के अंदर ओपन कर सकता है। यदि उनके पास PC या लैपटॉप नहीं है तो आप अपने फ्रेंड के किसी भी PC या लैपटॉप से ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ आपके सामने अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का एक ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस रिक्वेस्ट का एक ऑप्शन आपको मिलेगा और साथ ही में दोस्तों यहाँ पर आपको रिन्यूअल का एक ऑप्शन आपको मिलेगा। दोस्तों जब आपका यहाँ पर रिन्यूअल डेट आएगा तो आपको एक अलग ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा अनएम्प्लॉयमेंट रिन्यूअल
सर्टिफिकेट का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। आपको उस पर क्लिक कर कर आपको यहाँ पर अपना जो डॉक्यूमेंट्स आपने बेरोजगारी भत्ते में सबमिट किया था वह आपको यहाँ पर फिर से सबमिट करना होगा। तो दोस्तों इतना ही सिंपली आपको ये करना है। तो दोस्तों ये अपडेट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जून और जुलाई का जो इसका रिन्यूअल डेट है वो नज़दीक आने वाला है, क्योंकि पिछले साल दोस्तों कई अभ्यर्थियों ने यहाँ पर जो लाभार्थी थे इसके लिए उन्होंने यहाँ पर भी रिन्यूअल नहीं किया था, जिनकी वजह से यहाँ पर उनका स्टॉप हो चुका था बेरोजगारी भत्ता। तो दोस्तों ऐसा आपके साथ ना हो तो आप लगातार आप जून जुलाई के लिए अपडेट बने रहिए अपने बेरोजगारी भत्ते के ऊपर। और साथ ही में दोस्तों यहाँ पर किसी का मैसेज आता है किसी का नहीं। तो दोस्तों ऐसी नई नई जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ एक नया वीडियो में। तो आपको यही वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट्स करें, और नई जानकारी के लिए आप भी कमेंट्स कर सकते हैं।